हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी शालिनी। अगेन मैं आपके लिए लेके आई एक और बजट फ्रेंडली वीडियो, दैट इज अमेज़न फाइंड्स अंडर 100 रुपीज। सो इस बारी आई हैव लिपस्टिक्स विद मी जो कि मैंने अंडर 100 रुपीज पे की हैं, एंड यू गाइस, आई लव द क्वालिटी, आई लव द टेक्स्चर, आई लव द पिगमेंटेशन, लाइक ईच एंड एवरीथिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आई हैव टोटल 5 लिपस्टिक्स विद मी, एंड या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। ये मेरे पास कौन कौन से लिप शेड्स हैं। सो आई हैव 4 लिक्विड लिपस्टिक्स एंड बस एक ही मेरे पास बुलेट लिपस्टिक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ बुलेट लिपस्टिक से ही स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट लिपस्टिक इज दिस, ओके पैकेजिंग मैंने उधर वहाँ फेंक दी है, मैं आपको बता दूंगी। बस दो में ही मुझे काफ़ी अच्छी कार्डबोर्ड पैकेजिंग मिली, बाकी सब नॉर्मल आए थे। सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड मिलाप, एंड दिस इज मिलाप की मैट लिप्स, दिस इज इन द बुलेट फॉर्म। यू गाइज, आई जस्ट लव द पैकेजिंग, इतनी प्यारी पैकेजिंग है इसकी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक ट्रांसपेरेंट इसका ऊपर का है ये जैसे हटने वाला, एंड इसके ऊपर इसकी एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग भी आई थी, विच इज़ लाइक द ग्रेट वन, क्योंकि अंडर 100 रुपीज़ में इतनी अच्छी पैकेजिंग मिलना, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, मज़ा आ गया। गिफ्ट वगैरह भी आप किसी को कर सकते हैं। दिस इज इन द शेड इलेक्ट्रिक ऑर्किड 525, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक, ये ऐसे खुलती है, एंड फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो मैं आपको स्वेचेस कहाँ करके दिखाने वाली हूँ, आई डोंट नो, यहाँ करके दिखाऊँ आपको, ठीक है, या फिर यहाँ करके दिखाऊँ, आई डोंट नो। यहाँ मेरी मेहंदी लग रही है, शायद आपको विजिबल नहीं होगा। आई थिंक मुझे थोड़ा सा जूम इन होना पड़ेगा कैमरे के, मैं थोड़ा सा पास आ जाती हूँ, आई होप मैं बहुत ज़्यादा जूम इन नहीं लग रही हूँ, बट एनीवेज दैट्स हाउ द फर्स्ट लिपस्टिक लुक्स लाइक। इस टाइप से इसकी पैकेजिंग है, आप खोलेंगे एंड ये इस टाइप का कलर है, रेड मरूनिश, आई डोंट नो आपको कैसा दिख रहा है कैमरे में। सो या यहीं दिखा रही हूँ मैं आपको। सो इसमें हल्का पिंक का भी टिंट है एज यू कैन सी, एंड यू गाइज, आई जस्ट लव द शेड अ लॉट, लाइक बहुत ही प्यारा एकदम ब्राइट सा इसका शेड है। समर्स के हिसाब से आई पिक्ड अप ब्राइट शेड, और लाइक थोड़ा रानी पिंक रेड मिक्स है ये, प्रॉपर मैं रेड नहीं कहूँगी, प्रॉपर पिंक भी नहीं कहूँगी, तो इस टाइप का थोड़ा मिक्स शेड है, विच आई लाइक इट सो मच, एंड या दिस इज़ परफेक्ट फॉर डे नाइट एंड सारे स्किन टोन्स पे जाने वाला है। आप मीडियम स्किन टोन है, फेयर स्किन टोन है, डार्क स्किन टोन है, सब पे इजीली जाएगा, एंड या दिस इज़ दैट। और ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र होती है, सो या लाइक बुलेट लिपस्टिक ज़्यादातर ट्रांसफर प्रूफ नहीं होती है। दिस इज़ द फर्स्ट लिपस्टिक विच आई गॉट इट। नेक्स्ट अप आई गॉट अ लिपस्टिक फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड इनसाइड। सो इनसाइड ब्रांड का मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है लिप शेड, एंड आई जस्ट लव्ड द शेड, दिस इज़ 10 का टॉप नॉच। कोई न्यूड कलर आपके लाइक न्यूड लिप शेड या यहाँ न्यूड कलर कोई भी ब्राउन टोन का अगर आपके फेस पे सूट कर जाए ना, तो बस मज़ा आ जाता है, क्योंकि बहुत लिप शेड ऐसे होते हैं जो आपके फेस को वॉश आउट करते हैं, बट आप उस टाइप का शेड देख के लीजिए कि आपके फेस को जो वॉश आउट ना करे, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करे आपके स्किन को। सो दिस इज़ द पैकेजिंग, लाइक नॉर्मल इसकी पैकेजिंग थी इस टाइप की लिक्विड लिपस्टिक की जैसे होती है, और ये डो फुट वाला एप्लीकेटर है इसका, एंड यू गाइज द शेड इज़ लाइक bomb.com, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसमें थोड़ा हल्का मैं कहूँगी पिंक का टोन है, लाइक पिंक अंडरटोन है, एज यू कैन सी ये वाला शेड है सेकेंड वाला या दिस वन। सो मुझे ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मेरे फेस को बिल्कुल भी वॉश आउट नहीं करा है, विच इज़ द बेस्टेस्ट थिंग। और लिक्विड लिपस्टिक्स को मैं ज़्यादातर ऑन माई लिप्स, ऑन माई चीक्स, ऑन माई आईलिड पे लगाना पसंद करती हूँ, काफ़ी अच्छे से सेट होता है, एंड काफ़ी ज़्यादा लाइक काफ़ी लास्ट करता है, लाइक काफ़ी टाइम पीरियड तक लास्ट करता है ये। सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दिस वन आउट, 100 रुपीज़ में सर आपको और क्या ही चाहिए है ना। नेक्स्ट अप आई हैव इज दिस रैम्बल खाल लिप ग्लॉस, एंड ये टू बी फ्रैंक मैंने अभी तक ट्राई आउट नहीं किया, मैं आपके सामने ही इसको खोलने वाली हूँ। सो या इसकी भी नॉर्मल स्टेप से ही पैकेजिंग आई थी, एंड ये थोड़ा सा इसका ब्राउन अंडरटोन रहेगा एज यू कैन सी,
इसमें थोड़ा पिंक अंडरटोन था, इसका ब्राउन अंडरटोन है, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. एंड यू गाइस लाइक ये वाला शेड है थर्ड वाला, आई होप आपको दिख रहा होगा. मेरे बालों में मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ. सो दिस इज़ द शेड लाइक थर्ड वन, इसका ये वाला शेड है, इसमें ब्राउन अंडरटोन है. मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला भी, फेस को अगेन वॉश आउट नहीं किया है. सो जस्ट लव दिस. ये वाला जो शेड है ना लाइक ब्राउन अंडरटोन वाला, ये सारी स्किन टोन पे जाएगा. लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर है, मीडियम है या फिर बहुत ज़्यादा डार्क भी है तो भी ये जाएगा. बट ये जो सेकेंड वाला मैंने आपको दिखाया था इनसाइड वाला पिंक वाला जिसका अंडरटोन है, ये उतना ज़्यादा नहीं जाएगा ऑन लाइक डार्क टोन जिसका है. ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. नेक्स्ट अप आई हैव इज दिस ऑर्नर की स्टक विद यू. आई एम द शेड पता नहीं क्योंकि शेड मेंशन नहीं है इसका. मैंने आपको शेड बताया था कि नहीं, इसका शेड है 23. बाकी इसमें नेम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ रैम्बल वाले का. ऑर्नर का शेड नहीं लिखा हुआ है, मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप उस पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा. बाकी ये थोड़ा मुझे पर्पल प्लम सॉर्ट ऑफ का शेड लग रहा है बाहर से. बाकी अब अपन स्वैच करते हैं, मैं आपको दिखा दी कि मैंने ये वाली अभी तक टू बी फ्रैंक यूज़ नहीं की है. सो ओके नाइस, वेरी प्रिटी प्लम पर्पलिश सॉर्ट ऑफ का इसका शेड है. काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन भी है एज यू कैन सी. ये वाला जो शेड है ये है, एंड या एक स्वाइप में मुझे काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन मिला है. इफ़ यू वांट थोड़ा और डार्क तो आप इसको और डार्क भी कर सकते हैं, अदरवाइज आई जस्ट लव दिस शेड. मज़ा आ गया, हल्की सी इसके अंदर शीन भी है. थोड़ा आप इसको टाइम देंगे तो ये ड्राई आउट हो जाएगा एंड प्रॉपर मैट लुक देगा ये. एंड या बाकी मैं आपकी स्टेइंग पावर आपको उसको नहीं बता सकती क्योंकि अभी मैंने इसको लगाया नहीं है, बट स्टे करेगा क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा टाइम तक स्टे करती हैं. एंड द लास्ट वन आई हैव इज दिस प्लम का पाउच वाला लिप शेड, और ये काफ़ी सस्ता था, आई थिंक 78 रुपीज़ का मिला, और इसमें सिर्फ 12 यूजेस तक आप कर सकते हो, विच इज़ लाइक द बेस्टेस्ट थिंग. लाइक मैं बहुत वक्त से लिप शेड्स यूज़ कर रही हूँ, लाइक लिपस्टिक्स यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास हर टाइप की लिपस्टिक्स है. एंड आई थिंक 200 से ज़्यादा मेरे पास लिपस्टिक्स होंगी, बुलेट है, लिक्विड है, क्रेयॉन है, बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं. तो मैंने ओवर द टाइम यूज़ कर करके ये सीखा कि लिपस्टिक्स अगर आप ले रहे हैं तो मिनी लिपस्टिक्स लीजिए गाइज, या फिर इस टाइप की पाउच लिपस्टिक लीजिए, क्योंकि अब मार्केट में आने लग गई हैं 2-3 साल से, पहले नहीं आती थी. अब मैं भी मिनी लिपस्टिक्स में ही इन्वेस्ट करती हूँ क्योंकि वो लिपस्टिक्स की शेल्फ लाइफ होती है 2 या 3 साल, आप उतना यूज़ नहीं कर पाते हैं और वो वेस्ट जाती हैं. मिनी लिपस्टिक्स एटलीस्ट आपकी यूज़ भी हो जाती हैं और पूरा लाइक पैसा वसूल हो जाता है इन शॉर्ट. सो या अगर आप बहुत ज़्यादा लिपस्टिक के फ़ैन हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, शेड्स, ब्रांड्स, टेक्स्चर्स इस टाइप के यूज़ करना पसंद है, गो फॉर द मिनी लिपस्टिक्स. सो या इसमें आपका पैसा भी वसूल होगा और आपको सस्ती भी मिल जाएंगी. सो या ये है प्लम की वाली पाउच वाली लिपस्टिक. मैं इसका शेड आपको बताती हूँ, इसका है 130 कोका मोका. सो ये वाला लिप शेड जो है वो भी पिंक अंडरटोन का है, बट इसका पिंक अंडरटोन इज़ लिटिल डार्क, तो ब्राउनिश एंड पिंक अंडरटोन ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज यू कैन सी. एंड प्लम की लिपस्टिक्स की जो बात करें तो उनका स्टिंग पावर इज़ लाइक अमेजिंग. मैं ज़्यादातर प्लम लिपस्टिक ही यूज़ करती हूँ, लाइक आजकल मैं प्लम लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड्स में, और उनका स्टिंग पावर अमेजिंग है. खा लो, पी लो, कुछ भी कर लो ना, आपका लिपस्टिक इंटैक्ट रहेगा, आपको घर आके ऐसे रिगर रिगर के उसको उतारना पड़ता है. सो आई जस्ट लव दिस, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. सो या दैट्स द लास्ट वन, एंड दीज आर ऑल द लिपस्टिक्स अंडर 100 रुपीज़ जो कि मैंने अमेजोन से पिक की है. अमेजोन फाइंड्स अंडर 100. ऐसे और बजट वाली वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं ना गाइस, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, सारे लिंक्स वहाँ मिलेंगे. वीडियो कैसे लगा कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड या टिल देन बी क्रिएटिव एंड बी स्टाइलिश. बाय.